ये लीगल मैटर है, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, ये अपना ही है, मंदिर का ही है। प्रॉपर रूम बनाया था टेम्परेरी, पहले 10 से 5 चलता था ये। शास्त्रों में लिखी है उन वाक्यों को देखते हुए ब्रह्मा जी की थीम पर जो पास का क्षेत्र है वहाँ पर एक पार्क के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा। उसमें पुष्कर के सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं सबकी राय भी ली जाएगी उसकी DPR पे और वो करके विकास कार्य जल्दी करें। 27 तारीख को षोडशी का कार्यक्रम है, विवाद बढ़ता जा रहा है, मेहनताई के लिए कई दावेदार आ रहे हैं, उस स्थिति में प्रबंध कमेटी का क्या रोल रहेगा? देखिए, जो दिवंगत महंत सोमपुरी जी महाराज हैं उनके षोडशी का कार्यक्रम परंपरा के अनुसार और सभी प्रक्रिया और सभी कार्यक्रम अच्छे ग्रेसफुल तरीके से किए जाएंगे, उसका जो प्रबंधन है उसके बारे में भी चर्चा की गई है और उसको प्रबंधन कमेटी जो बनी है वो कमेटी और षोडशी के जो भी कार्यक्रम होने उनमें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और जो नए महंत का लेके जो सवाल आपका है उसको लेके एक प्रक्रिया है, कानून बना हुआ है और देवस्थान विभाग जो है उसमें अभी तक एक क्लेमेंट ने अपनी फॉर्म सबमिट किया है, कुछ और क्लेमेंट्स ने सूचना की असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान को कि कल अगले 2-4 दिनों में वो अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे वहाँ पर। तो उसको देखते हुए जैसे स्थिति बनती है जो जो क्लेमेंट्स होंगे और जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके अनुसार उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि योग्य और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ महंत बने और देवस्थान विभाग की जो प्रक्रिया है, जो कानून है और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो विधान है उसके अनुरूप ही नए महंत। ट्रस्ट विधान में ये है कि कोरम पूरा होने पे ही महंत चुना जा सकेगा, तो क्या देवस्थान विभाग को महंत चुनने का अधिकार रहेगा इसी स्थिति में? देखिए, अभी इस समय आज की स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्योंकि काफ़ी कुछ क्लेमेंट्स है, सबका अपना अपना आधार है, कोई परंपरा के आधार पे कोई क्लेम कर रहे हैं, कोई हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट के आधार पे क्लेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्लेमेंट्स हैं सबको देवस्थान विभाग, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और सेंसिटिव डिसीजन है, तो वो जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा और पूरा देख के समझ के देवस्थान विभाग लीगली देख के और सबकी राय जानकर ही सर्वश्रेष्ठ डिसीजन। महंत के चयन में परंपरागत प्राथमिकता रहेगी या कानून की प्राथमिकता रहेगी? सर, बिल्कुल, वो जो भी डिसीजन है वो मेरिट पर देवस्थान विभाग लेगा, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। सर, ये बताया कि षोडशी के दिन यदि संत समाज का कोई गुट वहाँ पर अपनी तरफ से महंत बनाता है या उसको कोई चादर उड़ाता है तो क्या उसको रोका जाएगा? देखिए, वो तो उसी दिन पता चलेगा, बाकी कोशिश ये रहेगी कि उस दिन तक और क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर। और इस तरह का कोई हमें कोई आशंका नहीं है कि कोई, क्योंकि सभी लोग संत महात्मा, सब लोग ब्रह्मा मंदिर के प्रति समर्पित हैं और ब्रह्मा मंदिर की जो ग्रेस है, ब्रह्मा मंदिर की जो पहचान है, उस पहचान में और आगे बढ़े और अच्छा संदेश बाहर जाए, सबके मिलके यही प्रक्रिया है।